दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टैलेंटेड मुस्लिम्स, और टैलेंटेड मुस्लिम्स की सीरीज़ में आज आप दुनिया के एक बड़े मुस्लिम साइंटिस्ट की कहानी सुनेंगे। वह मुस्लिम साइंटिस्ट जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है और जिन पर अमेरिका को बहुत गर्व है। गर्व ही नहीं, अमेरिका ने उन्हें अपना बड़ा एसेट यानी अपनी दौलत माना है। और जिस आइंस्टाइन वीजा को पाने में अमेरिका में लोगों को सालों साल लग जाते हैं, उन्हें महज कुछ वक्त के अंदर दे दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने उन पर यह मेहरबानी क्यों की? तो इसका जवाब है उनका टैलेंट। एरोस्पेस यानी हवाई जहाज़ों की सेफ्टी की फील्ड में उन्होंने एक अहम काम किया है, एक ऐसी समस्या का हल तलाशा जिससे अमेरिका समेत दुनिया के कई एडवांस देश परेशान थे और बड़ी संख्या में हवाई हादसे होते थे। दोस्तों, हम जिनकी बात कर रहे हैं उनका नाम मिर्ज़ा फैज़ान है। आइए उनकी दिलचस्प कहानी आपको सुनाते हैं। मिर्ज़ा फैज़ान के वालिद का नाम मिर्ज़ा मोहम्मद फ़हीम था। वह बिहार सरकार में अंडर सेक्रेटरी के ओहदे पर थे। उनका ताल्लुक़ बिहार के आरा ज़िले से था और फैज़ान की वालिदा सासाराम रोहतास ज़िले से थीं। वह नासा की टेक्नोलॉजी को इवेलुएट करते हैं, मतलब कि नासा से जुड़े साइंटिस्ट जो कुछ नया बनाते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं या कुछ इन्वेंशन करते हैं, तो उनकी जांच पड़ताल का काम फैज़ान करते हैं। वो ये देखते हैं कि जो इन्वेंशन है, जो इन्वेंट किया गया है, जो नई टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है, वो पूरी तरह परफेक्ट है कि नहीं, या उसमें कुछ कमी है। तो इस तरीके की जो जिम्मेदारी है वो निभाते हैं। उन्होंने दुनिया को दो अहम कंट्रीब्यूशन दिया है जिस पर हम आपको एक मुसलमान और एक हिंदुस्तानी होने के नाते बहुत गर्व होना चाहिए। दुनिया को उनकी पहली अहम देन है रनवे पर हवाई जहाज की सेफ्टी के लिए ग्रिप्स टेक्नोलॉजी, और दूसरी अहम देन है डिस्कवर स्टेम। डिस्कवर स्टेम को आप साइंटिस्ट की फैक्ट्री भी कह सकते हैं। यह एक प्लेटफॉर्म है जो मिर्ज़ा फैजान की कोशिशों का नतीजा है। यहाँ बच्चों के टैलेंट को तराशने और उन्हें एक साइंटिस्ट के तौर पर ढालने का काम किया जाता है। यहाँ से जुड़े बच्चों ने एक से एक नई और काम की चीज़ों का इजाद किया है। इस बारे में हम एक अलग वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे। फिलहाल हम ग्रिप्स टेक्नोलॉजी पर बात करते हैं। ग्रिप्स का अंग्रेजी में पूरा नाम है ग्राउंड रियलिटी इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। यह सिस्टम बताता है कि एक दूसरे के आसपास में बाकी कोई चीज़ टकरा सकती है या नहीं, और अगर उनकी आपस में टक्कर होगी तो कब होगी। इसकी मदद से रनवे पर होने वाले हादसों को रोका जा सकता है। इसका आइडिया उन्हें साल 2009 में आया था। उस वक्त वह फ्रांस में थे और एयर फ्रांस से जुड़े हुए थे। वह एयरबस पर काम कर रहे थे। उसी दौरान एयर फ्रांस की एक हवाई जहाज़ क्रैश हो गई। उसकी स्टडी करने के लिए एक टीम बनी। टीम में मिर्ज़ा फैजान को भी शामिल किया गया। इससे उन्हें दुनिया में होने वाले एयर क्रैश के बारे में रिसर्च करने का मौका मिला। इसी दौरान उनका ध्यान रनवे इनकर्शन पर गया। रनवे इनकर्शन हवाई हादसा होता है। यह तब होता है जब रनवे पर या हवाई जहाज़ के उड़ान भरने और लैंडिंग के लिए तय इलाके में कोई गाड़ी, कोई चीज़ या कोई दूसरी जहाज होती है। इससे लैंड करने वाले या उड़ान भरने वाले जहाज को टकराने का खतरा रहता है। इस तरह का अब तक का सबसे बड़ा हादसा 27 मार्च 1977 को स्पेन के टेनरिफ एयरपोर्ट पर हुआ था, जिसे टेनरिफ हादसा या टेनरिफ इंसिडेंट के नाम से भी जाना जाता है। उस हादसे में दो जहाज़ों की आपस में टक्कर हो गई थी जिसमें करीब 600 लोगों की मौत हो गई थी। या एविएशन यानी हवाबाजी, हवाई जहाज़ कह लें, उसकी तारीख का अब तक का सबसे बड़ा और भयंकर हादसा है। इसके बाद उन्होंने इस पर काम किया और ग्रिफ्ट टेक्नोलॉजी डेवलप की। मज़े की एक बात और है, वो यह कि इसके बाद वह बेंगलुरु आ गए और अपनी कंपनी शुरू की, ताकि दुनिया यह जान सके कि इतना अहम काम करने वाला साइंटिस्ट हिंदुस्तान का है। उनकी इस टेक्नोलॉजी के बारे में
एयरपोर्ट इंटरनेशनल मैगजीन में एक आर्टिकल छपा। यह मैगजीन यूके यानी इंग्लैंड से छपती है। इस आर्टिकल को नासा के एक साइंटिस्ट ने पढ़ा और उन्होंने मिर्जा फैजान से कांटेक्ट किया। वह चाहते थे कि उन्हें डेमो दिखाया जाए। वह बेंगलुरु आए और मिर्जा फैजान से मिले। वह मिर्जा फैजान की इस इजाज़त से काफ़ी मुतासिर हुए और उन्हें अमेरिका चलने के लिए जोर दिया। उनसे पेंटागन के साइंटिस्ट ने भी कांटेक्ट किया। आपको बता दें कि पेंटागन अमेरिका की आर्मी का हेड क्वार्टर है। एक और दिलचस्प बात है आइंस्टाइन वीजा का मिलना। आइंस्टाइन वीजा यानी अमेरिका में परमानेंट रेसिडेंसी के लिए वीजा ज़रूरी होता है। इस वीजा के लिए अप्लाई करने के बाद इसे मिलने में कम से कम 15 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 150 साल का वक्त लगता है। यानी आइंस्टाइन वीजा बहुत आसानी से नहीं मिलता है। इसके लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन मिर्जा फैजान को यह वीजा कुछ ही समय के अंदर मिल गया। नासा के टॉप साइंटिस्ट ने सरकार को लेटर लिखा और कहा कि उन्होंने बहुत अहम टेक्नोलॉजी डेवलप की है और अमेरिका में साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए उनका रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन्हें परमानेंट रेसिडेंट के लिए ग्रीन कार्ड यानी आइंस्टाइन वीज़ा दिया जाए। उनकी इस टेक्नोलॉजी को नासा के अलावा हवाई जहाज़ बनाने वाली कंपनियां और ड्राइवरलेस गाड़ी बनाने वाली कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं। ड्राइवरलेस गाड़ी यानी ड्राइवर के बगैर चलने वाली गाड़ी के लिए यह टेक्नोलॉजी और अहम है ताकि गाड़ी किसी चीज़ से टकराए नहीं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम उनके अहम प्लेटफॉर्म डिस्कवर स्टेम यानी साइंटिस्ट की फैक्ट्री की कहानी लेकर आएंगे और साथ ही उनका एक अहम मैसेज भी आपको बताएंगे। दोस्तों इसके साथ ही हमारी यह वीडियो स्टोरी ख़त्म होती है। यह वीडियो स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।